Hello students, today we are going to discuss about question 14, exercise 9.1, class 10. Question 14 में क्या है? एक 1.2 मीटर टोरगर निकाल ले. Sports a balloon moving with the wind in horizontal line at a height of 88.2 मीटर. ये पूरी लाइन जो है 88.2 मीटर है. उसमें क्या है? लड़की की भी हाइट इंक्लूड है. तो हम निकाल लेंगे बस वैल्यू कितनी हाइट पे है. ठीक है, 88.2 माइनस 1.2 बैलून की हाइट आ गई 87 मीटर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60. ठीक है, वो एक बार 60 डिग्री बनाता है, एक बार 30 डिग्री बनाता है. ओके, आप निकालिए वही प्रोसीजर. ट्रायंगल इसमें क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर क्या है? बी पी. बेस क्या है? ए बी. परपेंडिकुलर बाय बेस इज एंगल क्या बन रहा है इसमें हमारा? 30 डिग्री. ठीक है, क्या बन रहा है इसमें एंगल हमारा? 60 डिग्री. ठीक है, तो हम लिखेंगे टेंजेंट 60 डिग्री. ओके, हाँ हो जाएगा ना 60 का, यहाँ उधर जाएगा तो लेंथ होगी. तो बीपी कितना हमारा? बीपी 87 मीटर. ए बी हमें नहीं पता, इस टेंजेंट 60 इज रूट 3. यहाँ से ए बी क्या आ गया हमारा? 87 बाय में रूट 3. ओके, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या लिखेंगे? सी क्यू बाय में ए क्यू इज टेंजेंट 30 डिग्री. टेंजेंट 30 इज 1 बाय रूट 3. सी क्यू इज 87. ए सी इज नहीं पता, यहाँ से ए सी क्या आया हमारा? 87 रूट 3. ठीक है, हमने क्या निकालना है? बीसी. बीसी इज एसी माइनस ए. ठीक है, बीसी इज एसी माइनस ए बी. एसी इज 87 रूट 3. ए बी इज 87 बाय रूट 3. रूट 3 हमने एलसीएम लिया. 87 इंटू 3 माइनस 87. 3 7 21. 3 8 24 और 2 76 माइनस 87 बाय रूट 3. 11 6 7 4. 15 8 7 बाय 3 इनटू में रूट 3. 3 6 कैंसिल हो गया. 3 5 15. 3 8 24. कितना गया? 58 रूट 3 मीटर. ओके, आप यहाँ ये कंसल्ट क्लियर कर लीजिए. पूरा अगर 60 है तो इसका हाफ हो जाएगा 30. ठीक है, अब आप एक बार ये ट्रायंगल लेंगे, एक बार ये ट्रायंगल लेंगे. हाइट देखिए, गर्ल्स की, गर्ल की हाइट विद 88.2 है, तो गर्ल की हाइट हम माइनस कर देंगे तो बैलून की हाइट आ जाएगी, वो माइनस कर दिया. ठीक है, अब हमने निकाला ए बी और ए सी. हमने क्या निकालना है? बी सी. तो हमने क्या किया? ए माइनस ए बी इज ए सी. ओके, ये था हमारा क्वेश्चन 14. क्वेश्चन 15 में ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर. ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री. ये यहाँ पे ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 मिनट लेटर. ठीक है, 6 मिनट के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज कॉम टू बी 60 डिग्री. ये कितना बन जाता है हमारा? 60 डिग्री. फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर. ओके, चलो निकाल लेते हैं.
वही प्रोसीजर हमारा ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीडी में हम लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस इज टेंजेंट 60 डिग्री एंड ट्रायंगल एबीसी में लिखेंगे हम परपेंडिकुलर बाय में बेस इज टेंजेंट 30 डिग्री। परपेंडिकुलर इज एच, एडी इज वीटी, टेंजेंट 60 इज रूट 3, एच इज रूट 3 वीटी। ठीक है, अब यहां से एच पाई में एसी इज 6 वी प्लस वीटी इज 1 बाय रूट 3, एच इज 6 प्लस टी वी बाय में रूट 3। बोथ साइड से हमने एच को कंपेयर किया, ठीक है, यहां से एच आया हमारा रूट 3 वी टी, उधर से एच आया हमारा 6 प्लस टी वी बाय में रूट 3। बोथ साइड से भी कैंसिल, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3 टी इज इक्वल टू 6 प्लस 2 टी इज इक्वल टू 6, टी इज 3। ठीक है, एक बार फिर देखिए, हमने छोटी ट्रायंगल ली है बीडी परपेंडिकुलर बाय बेस, एंगल इज 60, बड़ी ट्रायंगल ली परपेंडिकुलर बेस, एंगल इज 30 डिग्री, बोथ साइड से एच निकल गया, एच को इक्वल पुट कर दिया दोनों के, ठीक ही बैठ जाती है। ठीक है, बस आपने स्टेटमेंट समझ लिया, स्टेटमेंट क्या कहता है, उसकी जो जो बोलता जाए आप उसका फिगर बना लीजिए, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 16 इज द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line, एक ही straight line से, with it a complementary, complementary का अर्थ two angles का sum is 90 degree, तो एक theta लेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा 90 minus theta, to that the height of the tower is 6 meter, ठीक है, ये हमने दिखाना है कि 6 meter है, तो हम सोचेंगे कुछ नहीं, केवल height वगैरह, अब इसको सोल्व करेंगे जैसे करते आए हैं। बहुत ट्रायंगल लेके ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एबीसी, एबीडी में हम क्या लेंगे, एबी बाय में एडी इज टेंजेंट 90 माइनस थीटा, एबी इज एच, एडी इज 4 और टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज 4 थीटा, एच इज 4 कोट थीटा। ठीक है, एबीसी में आएंगे, एबी बाय में एसी टेंजेंट थीटा, एबी इज एच, एसी इज 9 टेंजेंट थीटा, एच इज 9 टेंजेंट थीटा, ये दोनों एच की वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो हम राइट हैंड साइड को भी सेम इक्वल पुट करते हैं, 4 कोटेंजेंट थीटा इज 9 टेंजेंट थीटा। ठीक है, इसको भी आप कोट में चेंज कर लीजिए या इसको आप टेन में चेंज कर लीजिए, आप क्या करेंगे, कोट को आप क्या लिख देंगे, 4 1 बाय टेंजेंट थीटा इज 9 टेंजेंट थीटा। ठीक है, उधर ले जाइए टेंजेंट थीटा को, 4 बाय 9 इज टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ऐसे तो नहीं होगा ये, ठीक है, आप यहीं से देखिए, इन दोनों से इसको छोड़ दीजिए, वहां से थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, आप कितने पे ही देखिए इससे,
From equation 1 and 2, ये equation 1, ये equation 2. From equation 1 and 2, equation 1 is h by 4 into में h by 9 is tangent theta into में cot theta. ठीक है, कितना हो जाएगा h square by में 36 is tangent theta into में 1 by में tangent theta. आप लिखेंगे cot theta क्या होता है, 1 by tangent theta. ओके, h square is 36 और h is 6 meter, यही हमें प्रूव कर जाता. ओके, क्या किया हमने, इक्वेशन वन इंटू इक्वेशन दोनों ट्रायंगल एबीडी परपेंडिकुलर बाय बेस 10 mm, ऐसे दूसरे ली परपेंडिकुलर बाय बेस 10 mm. ओके, टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज कोट थीटा, कोट थीटा तब बन गया टेंजेंट थीटा. इक्वेशन वन इंटू इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इंटू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इंटू राइट हैंड साइड, एच स्क्वायर बाय 36 इज 1, एच स्क्वायर इज 36, एच इज 6. स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन 15. वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिए. थैंक यू स्टूडेंट्स.